तो दोस्तों आपके डिवाइस में जो गूगल डायलर देखने मिलता है, उस गूगल डायलर में पासवर्ड क्रिएट करके आप कोई भी एप्लीकेशन को यहां पे हाइड कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन को हाइड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपके पास जो भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मैसेज हो, कॉन्टेक्ट है, उसको भी हाइड कर पाइएगा। साथ में जिस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उस एप्लीकेशन को भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, टोटल चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्या करना है आपको, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना। ये आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। देन आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलता है। ऊपर में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, सर्च में जाना है और सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है हाइड ऐप। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लिखिएगा तो हाइड ऐप वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। उसके अलावा हाइड ऐप वाला ऑप्शन कहाँ पे शो होता है, देन अगर आप यहाँ से बैक होइएगा और बैक होने में नीचे जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी वाला। इस प्राइवेसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करें, फिर से आपको प्राइवेसी में जाना है। देन आपको हाइड ऐप वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, डिफॉल्ट में जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो, गूगल ड्राइव हो और मैसेज एप्लीकेशन हो, काफी सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को हाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा, सेट अ प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले पासवर्ड को क्रिएट करना है, तभी आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर अलग सा पासवर्ड बनाना है तो यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने पर अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना है कौन सा आपको यहाँ पे सेटअप को यूज करना है, कौन सा पासवर्ड टाइप को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे पैटर्न को यूज करने वाला हूँ। पैटर्न को यूज करने बाद मैं यहाँ पे एक पैटर्न पासवर्ड बना लेता हूँ। फिर से वही पासवर्ड को आपको यहाँ पे दोबारा डालना है और ये डालने के बाद प्राइवेसी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आपको फिलअप करना है, तभी आप यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मल टीचर नेम वाला ऑप्शन मिलेगा, चेंज करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपको मदर नेम, फादर नेम, हाई स्कूल, फेवरेट रेस्टोरेंट, इस प्रकार का ऑप्शन देखने मिलेगा। अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये फिलअप करने के बाद नीचे में आपको सेट रिकवरी ईमेल वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आपको जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को रिकवरी में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे भर लेना है, देन कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अगर ये नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लिंक अकाउंट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। पासवर्ड को अगर आपको किसी से लिंक करना है वहां पे भी पासवर्ड को आप यहां पे रिकवर कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन को मैं यहां पे यूज नहीं करने वाला हूं। देन आपको ऊपर में ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद अब आपको यहां पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है डायल पैड में। यहां पे देखिए लिखा हुआ, इंटर योर एसएस कोड ऑन द डायल पैड टू एसएस हिडन एप्लीकेशन। तो आप डायल पैड में कैसे पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और कैसे हिडन एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो 16 डिजिट तक का आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको हैश देना है, उसके बाद न्यूमेरिकल की को यूज करना है और लास्ट में फिर से आपको यहाँ पे हैशटैग को यूज करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा हैश 6543321, ये मैंने डाल दिया है। और ये डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे हैश डालना है और ये डालने के बाद आप यहाँ पे देखिए पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर में ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को डाल लिया है, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट को भी यहाँ पे डाल देता हूँ, गूगल ड्राइव को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके अलावा और भी ऑप्शन मिलेगा, जीमेल अकाउंट है इसको भी मैं यहाँ पे हाइड में डाल देता हूँ, गूगल पे है इसको मैं यहाँ पे हाइड में डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से जितने भी एप्लीकेशन को हाइड करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल कितने एप्लीकेशन हाइड किए, हाइड वाले ऑप्शन में जाइएगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद पासवर्ड को अगर आपको चेंज करना है और कोड को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोड और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। होम स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं जिस एप्लीकेशन को मैंने हाइड किया था वो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना गूगल क्रोम देखने मिलेगा, ना गूगल ड्राइव देखने मिलेगा, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपके डिवाइस में जो भी डायलर देखने को मिला है, चाहे वो गूगल डायलर हो या फोन का जो भी डिफॉल्ट डायलर है, उसको आपको ओपन कर लेना है।
और दोस्तों जैसे आप ओपन कीजिएगा, ओपन करने वाला इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे डायल पैड को ओपन कर लेना है, ओपन करने बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जैसे मैं डालूंगा #654321 देन हैश फिर से डालूंगा, तो ये आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन को मैंने हाइड किया था वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आप यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। अब दोस्तों चाहते हैं कि जो भी एप्लीकेशन को आपने हाइड किया है उस एप्लीकेशन को फिर से होम स्क्रीन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली क्या करना, आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाना है, प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर से प्राइवेसी में जाना है, हिडन एप्स वाले ऑप्शन में जाना है, जो भी पैटर्न आपने बनाया है उस पैटर्न को आपको यहाँ पे डालना है और ये डालने के बाद आपको यहाँ से बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम, कॉन्टेक्ट और गूगल ड्राइव तीन ऑप्शन को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, और भी ऑप्शन है जैसे जीमेल को भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और ये करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए गूगल क्रोम यहाँ पे आ चुका है, गूगल ड्राइव आ चुका है, जीमेल यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हिडन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को हाइड करना है, अनहाइड करना है वो आप इजी तरीके से कर सकते हैं।